So first of all, I would like to say good evening to each and every person those who are sitting here. Okay. Now today I am going to teach you how to make a tree. Okay. Or in this tree, I will show you the combination of the color and what I am going to make. This everything I will make with the help of acrylic paint. Okay. So let's see how we are making it. Before that, I am going to sketch, or first I will draw the tree, how to make the tree, and then after that I will show you that how to color it. So let's begin. So first, I'll make the trunk. Or I'm telling in Hindi everything. It will be easy for you all to understand. Okay. So trunk banane ke baad, hum log yahan par branch banayenge. Aur is baat ko bhi khyal rakhenge ki ye jo trunk hai, iska jo thickness hai, sabse niche yahan par, aur zyada bada mota rahega. Aur फिर वहां से थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा पतला होगा, और फिर चूंकि ये जो इसका जो डिस्टेंस है, इसी से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके अनुसार ये ऊपर पतला होता चला जाएगा. सो सिंपली हम लोगों ने इतना दूर तक का ब्रांच बना लिया है, ठीक है. और चाहे तो हम लोग फ्यूचर में भी कुछ और ब्रांच ब्रशेस से बना सकते हैं ऐड करने के लिए, है ना. मुझे लगता है कोई इनकन्वीनियंस शायद आप लोगों को यहाँ पर नहीं फील हो रहा होगा, ठीक है. एवरीथिंग इज करेक्ट. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक विद दिस ब्रशेस. ओके, आई विल टेक लिटिल ग्रीन. तो मैंने यहाँ पर तीन कलर का मिश्रण किया है, ब्लू, ग्रीन और पीला कलर का, है ना. तो आपने देखा यहाँ पर सिंपली जो मैंने पहले स्केच किया हुआ था उसी के ऊपर इसको चला देना है. और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा होगा कि ऊपर जाने के बाद ऊपर थोड़ा सा ब्रांच कहीं मोटा हो गया और नीचे पतला रह गया, तो वो उसको आपको मेकअप करना होगा, है ना. हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सबसे ऊपर ही पतला हो. ये दोनों ब्रांच एक जगह से निकल रहा है, इसलिए थोड़ा सा बेहतर नहीं लग रहा है. मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ा नीचे से लूंगा यहां से. जो मैं कलर दिया हुआ था उसके ऊपर डार्क ब्राउन चलाना है. जहां तक आप मोटे ब्रश से काम कर सकते हैं वहां पर आप मोटे ब्रश का इस्तेमाल कर लीजिए.
मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल काम था जो मैंने अभी आप लोगों को बना के दिखाया, ऐसे ब्रांड बनाना, लेकिन नीचे वाले पोजिशन में बड़े ब्रश से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ऑलमोस्ट मैंने स्ट्रक्चर जो है पेड़ का जो होता है वो मैंने बना लिया है ना। अब इसमें एक दो ब्रांचेस और ऐड करना है और उसको कुछ इस प्रकार से ऐड करना है कि अब इस पेड़ में थोड़ा थ्रीडीनेस आए। ये कैसे आएगा, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसके एक ब्रांच को इधर से क्रॉस कर देना होगा, इस पर लेके चलेगा। सेम सिचुएशन हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, एक ब्रांच यहाँ से ले सकते हैं इसको, और क्या करना है कि एक दूसरे के साथ में क्रॉस कर देना है। तो मैंने जितना सारा ब्रांच बनाया था उन सभी जगहों पर मैंने ये कलर डाल दिया है ना। अब क्या करना, थोड़ा सा ड्राई ब्रश वर्क करना है। ठीक है, ड्राई ब्रश वर्क क्या होता है कि एकदम जो साइड वाला जो एरिया होगा वहाँ पर थोड़ा सा आपको इस ब्रश को पूरी तरीके से ड्राई कर लेना है और ड्राई करके इस तरीके से चलाना है, जो जो भी कलर है उसको पूरा वाइप करना है इधर साइड एरिया में। आपको यहाँ पे सीख चुका है इसको हम लोग ड्राई ब्रश स्ट्रोक भी कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लगभग एक तरीके का जो कलर का प्रयोग है उसको हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक कलर का ये जो यूज है ब्लैक कलर का वो मुझे कहाँ देना है। तो एक तरफ डार्क दिखाने के लिए, किसी भी एक तरफ क्या करने के लिए डार्क दिखाने के लिए ना हम लोग ब्लैक कलर का प्रयोग करेंगे।
So that's all.